Hey guys, my name is Jay and welcome back to JP Studio. दोस्तों काफी टाइम से एपिसोड्स लेट आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका रिस्पांस बहुत ही अच्छा है। रिसेंटली हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स की YouTube फैमिली कंप्लीट हो गई है। एंड दोस्तों बहुत ही ज्यादा शुक्रिया आप लोगों का, जो लोग सपोर्ट करते हैं, शेयर करते हैं हमारी वीडियो को, लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं, थैंक यू सो मच। जो लोग भी नए हैं चैनल पे वो लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एंड हमारी YouTube फैमिली में ज्वाइन हो जाओ। दोस्तों आज का ये एपिसोड गणेश विसर्जन पे है। एंड दोस्तों फैक्ट की बात बताओ तो मैंने 1 ईयर पहले ये चैनल स्टार्ट किया था एंड सबसे पहला मैंने गणेश विसर्जन का वीडियो डाला था। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा फर्स्ट वाला वीडियो कौन सा था। सो गाइज 1 ईयर कम्प्लीट हो गया, 1000 सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट हो गए एंड कुछ नया दिख रहा है। हाँ, सेटअप। दोस्तों सेटअप भी नया आ गया। दोस्तों ये सेटअप बहुत ही ज्यादा चीपेस्ट प्राइस में है। अगर आपको जानना है कि कैसे मैंने ये बनाया, प्लीज कमेंट में जरूर से बताना, इस पे एक अलग से एपिसोड लाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मुझे पता है दोस्तों आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ये एपिसोड लेट नहीं, बहुत ही ज्यादा लेट डाल दी। लेकिन दोस्तों मैं आपको इस एपिसोड में जो भी चीजें बताने वाला हूँ ना, वो आपने शायद ही कभी पहले सुनी होगी या फिर देखी होगी। इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल फोन से बी रोल वीडियो, सिनेमेटिक वीडियो एंड एडिटिंग कैसे कर सकते हो। एडिटिंग में मैं आपको काफी हद तक नई चीजें बताने वाला हूँ। एंड गाइस अभी जो आप वीडियो देख रहे हो ये सभी मैंने अपने मोबाइल फोन से शूट किया है। एंड गाइस मोबाइल फोन में ही एडिटिंग करने वाले हम लोग। अरे नहीं भाई। दोस्तों कैमरा सिर्फ फोटो शूट के लिए था। मैंने जितने भी वीडियो शूट किए सभी मैंने अपने मोबाइल फोन में शूट किए। एंड दोस्तों ये सारे वीडियो क्लिप को देख के आपको पता लग गया होगा कि ये सभी मोबाइल फोन में शूट किए गए हैं। एंड दोस्तों कैमरा एंगल भी देख के आप पता लगा सकते हो। दोस्तों यहाँ पर मैंने यूनिक स्टाइल में कैमरा एंगल सेट किए हैं एंड वीडियो को रिकॉर्ड किया है। इसमें मैंने काफी सारे रोटेशन शॉट डाले हैं। एंड दोस्तों ये बहुत ही हार्ड है क्योंकि दोस्तों मोबाइल फोन से रोटेशन शॉट लेना बहुत ही कठिन होता है क्योंकि दोस्तों गिम्बल तो है नहीं हमारे पास। So, इस पे मैंने ऑलरेडी एक एपिसोड डाला है कि आप अपने हाथ से रोटेशन शॉट कैसे डाल सकते हो। फिर गाइस ये सारी शूटिंग हो जाने के बाद मेन चीज आती है वीडियो स्टेबिलिटी। दोस्तों इस पे भी मैंने 2 एपिसोड डाले हैं। वीडियो को कैसे स्टेबल करना है अपने मोबाइल फोन में उसे भी चेकआउट कर सकते हो। सभी एपिसोड आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आई बटन पे मिल जाएगा एंड चैनल पे विजिट करके भी आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे वीडियो एडिटिंग की तरफ। दोस्तों एडिटिंग के पहले सबसे पहले आपको सभी वीडियो क्लिप को सीक्वेंस वाइज बैठा लेना है। जब आप वीडियो को शूट करते हो ना तभी आपको सीक्वेंस वाइज आके शूट करना है। सो गाइज यहाँ पर वीडियो आ जाने के बाद सभी वीडियो फुटेज को अच्छे से स्लो फास्ट कर लेना है। यहाँ पे स्लो मोशन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है क्योंकि दोस्तों हमारी वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा हिलेगी। वैसे दोस्तों वीडियो स्टेबल करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन स्लो करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखेगा एंड बहुत ही प्रोफेशनल लगेगा। तो गाइस बीरोल वीडियोग्राफी एंड सिनेमैटिक में ये मेन चीज होती है कि स्लो फास्ट मोशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए वीडियो में एंड एडिटिंग में क्रिएटिविटी थोड़ी हमें करनी पड़ेगी। लेयर पे जाना है, मीडिया में जाना है और एक बैकग्राउंड ले लेना है। बैकग्राउंड को मैं सर्कल क्रॉप कर लेता हूँ, फिर फेदर फुल कर लेता हूँ, मास्किंग अनेबल कर देता हूँ। फिर दोस्तों इसे सेट कर लेना है लेफ्ट साइड पे। यहाँ पर हमें एनिमेशन लगाना है लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, आप कोई भी लगा सकते हो। इसका कलर आप कोई भी अच्छे से चूज कर लेना, फिर इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन पे कर लेना। फिर दोस्तों यहाँ पर एनिमेशन लगाने के लिए पहले ट्रिम कर लो,
छोटा सा रखो तभी एनिमेशन अच्छा लगेगा। फिर स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे जाके आप एनिमेट कर लो इसे। यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग पॉइंट राइट एंड एंड पॉइंट लेफ्ट में रखा है, आप कोई सा भी कर सकते हो। आप ऊपर से नीचे एंड नीचे से ऊपर भी एनिमेशन कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं डुप्लीकेट करके सभी ट्रांजिशन पे एक ही नहीं लगाऊंगा, एक एक छोड़ के मैं लगाऊंगा, तो बीच में मैं अलग कलर का लगा देता हूँ। सो गाइस ऐसे ही आप कलर ट्रांजिशन कर सकते हो। फिर दोस्तों पूरे वीडियो पे कलर ग्रेडिंग कैसे करना है, सिंपली दोस्तों 3D LUT एप्लीकेशन का यूज करो। इस वीडियो को सेव करने के बाद 3D LUT एप्लीकेशन में चले जाओ और वहां पे पूरा फिल्टर अप्लाई कर दो इस वीडियो पे। गाइस इस पे मैंने काफी सारे एपिसोड डाले, 3D LUT एप्लीकेशन पे बहुत सारे एपिसोड डाल के रखे जिसमें मैंने बताया है कि आप कैसे कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। तो गाइस इस एपिसोड को देख लेना। तो बस यार थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, पसंद नहीं आते तो डिसलाइक कर देना। स्क्रीन पे दिखाई दे रहे वीडियो को आपने नहीं देखा तो उसे भी चेकआउट कर लेना। और गाइस प्रोफाइल पे क्लिक करके आप हमारी चैनल विजिट कर सकते हो, आपको वीडियोग्राफी टिप्स एंड ट्रिक्स, एडिटिंग ट्यूटोरियल के काफी सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। मिलते हैं दोस्तों किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।